नरकों में स्वर्ग का अधिकारी होता है गौ सेवा करने वाला, गौचारे की व्यवस्था करने वाला, और जो वृक्षों को नष्ट करता है, जो वृक्षों के नीचे बैठ के गौ माता छांव लेती है, ध्यान से सुनेंगे, कभी भी हरे भरे वृक्षों को काटना नहीं चाहिए। हरे भरे छायादार या फलदार वृक्षों को काटने से व्यक्ति नरक में जाता है। अब तो हमारे कानून में भी ये अपराध है, दंडनीय अपराध है, अगर आप खड़े हुए पेड़ को काट देंगे तो ये दंडनीय अपराध है, काटना नहीं चाहिए, पेड़ नहीं काटना चाहिए। अगर मजबूरी में घर में या घर में कहीं ऐसी व्यवस्था हो कि कहीं भी मैं इसकी परमिशन नहीं दे सकता हूँ, परमिशन ऑस्ट्रेलिया में और या कई देशों में ऐसा है कि अगर आपने गलती से कोई पेड़ काट दिया है या आपके घर के सामने कोई पेड़ लगा है, हम जब ऑस्ट्रेलिया गए थे तब हमको बताया गया था वहाँ के लोगों के द्वारा कि अगर आपकी मजबूरी है कि आप पेड़ काटना ही पड़ेगा घर के कोई व्यवधान है, तो पहली बात तो वो इजीली आपको अनुमति देंगे ही नहीं। अगर वाई दबे दे भी दी तो एक पेड़ की जगह आपको 5-10 पेड़ लगाने पड़ेंगे, पालने पड़ेंगे, उतने बड़े करने पड़ेंगे, इसी के फलस्वरूप आप एक पेड़ काट सकते हो, वो भी आवश्यक हो तो।